नमस्कार, आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का ये लेटर सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को मालूम है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण कई महीनों से आंगनवाड़ी केंद्र को बंद किया गया था, तो आज के इस लेटर में आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने की निर्देश आ चुके हैं। तो आप सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो लोग हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको इसी प्रकार से आंगनवाड़ी से रिलेटेड आंगनवाड़ी खबरें, जो भी आंगनवाड़ी से जुड़ी जानकारी होगी, आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने लेटर की ओर। तो जैसे कि यहाँ पे ये लेटर आया हुआ है 24/8/2021, यानी कि अभी अभी शाम को ये लेटर आया हुआ है, जिसकी संचिका संख्या है 42-00। इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS, और देखिए यहाँ पे अपर मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना को ये लेटर जारी किया गया है। तो जैसा कि इस लेटर का विषय दिया गया है, कोविड-19 संक्रमण के कारण बंद आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के संबंध में, तो जो आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं उनको खोलने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। और इस लेटर में नीचे आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि कितने तारीख से आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसे कि यहाँ पे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का पत्रांक जो जारी हुआ था 5/8/2021 को, जिसमें कि आपको नीचे देखने को मिलेगी कि महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के कंडिका 1 में उल्लेखित है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण राज्य के बंद विद्यालयों को 1 से 8वीं तक की कक्षाएं दिनांक 16/8/2021 से कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया था। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो 1 से 8वीं तक की कक्षाएं हैं, जैसे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, वो 16/8/2021 से 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ चालू कर दिए गए हैं। नीचे आने पे आप लोग देखेंगे कि अतएव उक्त के आलोक में निर्देशानुसार दिनांक 1/9/2021 से कोविड-19 संक्रमण के कारण बंद आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के निर्णय के प्रस्ताव पर आपदा प्रबंधन समूह की स्वीकृति अपेक्षित है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अतः अनुरोध है कि विभागीय प्रस्ताव को आगामी बैठक, यहाँ पे देखिए आगामी बैठक में सम्मिलित करने की कृपा की जाए। तो जैसे कि यहाँ पे ये डेट दिखा रहा है कि 1/9/2021 से आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने के अभी प्रस्ताव पर स्वीकृति अपेक्षित हो गई है, लेकिन जब जो विभागीय प्रस्ताव है वो आगामी बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा, कि फाइनल जो निर्णय आएगा वो उसमें बता दिया जाएगा कि आपको इतने तारीख से केंद्र खोलने हैं। तो आप लोग अभी इस लेटर को मान के चलिए कि अभी ये लेटर जारी हुआ है कि हाँ अब आंगनवाड़ी केंद्र खुल सकते हैं, इसके लिए ये लेटर जारी हुआ है। अभी ये फाइनल लेटर नहीं है, 10 से 15 के बीच में आप लोगों को आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के निर्देश आ जाएंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा यह प्रयास है कि आप सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं उनको सच्ची न्यूज़ दी जाए। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को ये जो लेटर दिया गया है इसकी क्लियर जानकारी मिल चुकी है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।